सभी दोस्तों का नमस्कार। मैं बागेश्वर महिपाल और इस वक्त मैं खड़ा हूँ बागेश्वर सरयू नदी तट पर। आज यहाँ आने का कारण यह है, अभी जो है माँ सरयू का श्रृंगार, जिसे हम सरयू श्रृंगार भी कहते हैं। और जैसा आपने नवरात्रि के समय पर बागेश्वर में देखा होगा कि दुर्गा पूजा कमेटी जो है भव्य रूप से इसे सजाती है, वही चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये है माँ सरयू नदी, जहाँ लाइटिंग से मतलब यार ये देखो यार, मैं ज़्यादा क्या कहूँ, ये देखो मैं कौन के ना तुम देखो बस। ये छो बाकी जो चल रहा उत्तरायणी पौती जो आज जागरण छो, आज जो छो विशेष हूँ जागरण, तो क्यों कि दूर दूर पर मैं सुनी और पूरी रात जो छो भगनौर जोड़ा चाचरी इत्यादि यह के बाद यार वन विभाग द्वारा यो एल और यो जो जो तुमका उचित बोलियो नाम ये देखो यार सरकारी जो विभाग थे उन्हें एक सामूहिक दीपदान थो और जगह खाई जा हम जगह सरयू मैया बनू। और कुछ लोग तो जस हम यो जल दी जाने एक गंगा जल माँ गंगा रूप मान के हम जो जो आप पवित्र काम है इस सीजन के लाइटिंग तो यार मतलब यस करे ना। ये देखो परिवार टिकट पे सेल्फी खींचने कोशिश करनी, सेल्फी मतलब मतलब फोटो जो सेल्फी सब जाए महात्मा जी सब सदबुद्धि दिया, सब हर मनोकामना पूर्ण कर दिया। और दूर जो है ना हमारा बागना जी यहाँ विराजमान, ये देखो क्या बात है। तो जो लोग यार रूनी यार मतलब जो नूर उत्तरायणी पौती देख रहे हो उन सबन के पत्ते जो किचु उत्तरायणी पौती कर, तो भी हर बार उन्होंने को कहूँ कि केचु उत्तरायणी पौती, तो मैं बोलूँ यो चु उत्तरायणी पौती। यह के एक भाग न है मतलब कि केवल एक जाग में नहीं हूँ, यो पत्ते मतलब हर जाग मतलब यार जाग न हूँ मतलब बक्सर या को पूर्ण हूँ ज महेश न, क्योंकि जो हिसाब यहाँ पॉपुलेशन जो मतलब जनसंख्या वो हिसाब यहाँ जो ना इजू चीज हुई मतलब कि जो लोग पार्टिसिपेट करने यो विशेष बात है। यार वीडियो साहब उन्होंने पहले जो लिखे है यार मुझे अंदाज उन्होंने सब बढ़िया दिखना तो पत्ते लगना के वीडियो साहब ने नहीं तो फिर तुम बोला के यार। और ये देखो जब चरखी माँ और लेकिन यार क्या देखो यार पहले जंगो में आग लगा यार चंडी का मंदिर है तो पर ये गलत बात है यार। और ना 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 दिन जो जिन महाराज की जय हो सर 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 आपकी हो देखिए यार माला के यार वो आ जाए माला नहीं देखेगा तो मैं हाँ सर सर दुनिया देख रही है आपको है आपको देख रही है अभी सौरभ भाई को देख रही है गजब
जीतू भैया हेलो भाई, आज दोबारा आप लाइव है। तीन बार आ गए आप, तो कैसा लग रहा? जरूर लिखना यार, ये जागरण है बागेश्वर का, जो जागरण जो कहते हैं आज के दिन जो है बड़ा भव्य रहता है। अब जो है लोग जो है धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं, तो दिन का मेला, रात्रि मेला और अभी का वातावरण सब अलग अलग है, सब देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे। गुरु जी प्रणाम। अब जो है मैं ये देखो झूला, सबसे ज्यादा बच्चे इसको देखते हैं। तो यो जो उत्तरायणी रात हो पाती, क्या बात है यार। गलती हो गई यार, यार हमारे भाई लोग जो हेलो कौशल मनोज गंजू भैया, यार ये है तो जोरदार यार, बाप रे जोरदार है यार ये, क्या ये झूला है मनोज। अच्छा मजा आ रहा, धन्यवाद किया। तो जैसा गंजू भाई ने, अरे छोटा जहाज आ रहे एरोप्लेन। वो डोरा डोरा अगर आपको उल्टी आती है तो आप यहाँ आइए। वो अब जो है आज जो है कपड़े की दुकान एक से एक जैकेट है। आओ भैया आओ, 500 रुपये में, 500 रुपये। नमस्कार, ये देखो यार ये जैकेट। यार पूरे छू झूले आ रहे हो, दिखे तो डर लागो। बस बस, इससे पहले मैंने वही है यार, मैं सरयू नदी से ही आया, उसकी शुरुआत ही मैंने सरयू स्नान से, मतलब सरयू स्नान सरयू नदी से की है, और वहीं पर जो है ना सरयू नदी पर। पंकजा नमस्कार,
ये देखो नमस्कार, मोबाइल के साथ नमस्कार। वो पछाड़ो ले दिखी लो यारो, ब्रेक डांस से स्टार्ट हुआ यारो। मैं वहां पर गया था तब नहीं चला था यार। बाकी जो दैनिक कौतिक रात का कौतिक और सामने है सांस्कृतिक मंच, जहाँ पर जो है अभी जो है मित्र लोग लगे हुए हैं और उनकी कोशिश है कि अब जो है भजन संध्या का हम आयोजन करें और फिर जो है जरा पंखे की हवा यहाँ तक आ रही है। दादा नमस्कार, बॉडी गार्ड साथ में। क्या बात है। और बेटा ठीक है आप? हेलो बेटा नमस्कार। बिल्कुल, मैं सरयू नदी के दर्शन जरूर कराऊंगा जैसा कि आपकी फरमाइश थी। आप कहो, जहाँ कहोगे हम वहाँ दिखाएंगे। खाली छा यार, कहले ले जू ना। ये देखो इतनी जो ये लियो यार, लो विहंगम दृश्य को निभाने, विहंगम दृश्य लियो भाई। लखनऊ पर देखनी यार भुवन डशीला जी, क्या बात है यार। लखनऊ संजू पहाड़ी जी, हम लद्दाख में, बाप रे ले लद्दाख यार, जब यार ले लद्दाख बेटी पता भैया ले लद्दाख, स्वप्नन में भया मिली थी स्वेण में मुझे भाई। क्योंकि ये देखो यार, ये माँ सरयू की ऐसा आरती, ये भी एक तरीका है यार। क्या बात है यार, आस्था आस्था भाई यार, आई लव बागेश्वर। ये हमारे नगर पालिका अध्यक्ष श्री खेतवाल जी ने बढ़वाया यार, दूर में जहर में रंगत उन्हें आई लव बागेश्वर चम चम को यार है यार। जो यार रही भाई ना वो तो मतलब, पंकज उपाध्याय जी नमस्कार हो साहब, बेंगलोर बटी योगेश बी चंद्रा, योगेश बटी ये बनी नाम बेंगलोर बटी पिल्लो जो बनी नाइस, क्या बात है, वेरी नाइस है। हर हर महादेव नवीन चंद्र जी, नवीन चंद्र जी कहाँ पर देखा जा, मतलब बक्सरपट्टी या कहीं भैर बटी। रमेश
कनवाल जी, नमस्कार दा रमेश सिंह कनवाल जी, आपको मैं साउथ अफ्रीका से देख रहा हूँ। हिमांशु बरियार जी धन्यवाद यार, हिमांशु जी जिला, हे भाई हे भाई। कुवैत बटी राजू बरियार जी अलमार पर जानी और हमारे एक मित्र ये तो जल्दी नहीं लिखो यार, मेरे कल पढ़ी ना अंग्रेजी, हम इंटरमीडिएट वो अलग है ना एक्चुअली, तो कक्षा आठ पाँच बेटी हम इंग्लिश पढ़ी पे तो पढ़ा में चलो योगेश जोशी जी कुवैत पर, ऐठानी जी बागेश्वर से था, क्या बात है यार, बहुत सर नमस्कार। तो अच्छा अमन मेहता जी सुपर, क्या बात है यार अमन भाई, लोग मुंबई से। अच्छा पंकज तिरेला जी जय हो, रावत डी नाइस, मुन्ना भाई नाइस दादी जय हो, रवि किरण हल्द्वानी से ब्यूटीफुल बागेश्वर, कैसे हो आप, मैं ठीक हूँ यार मुंबई से यार, मुंबई तो जल्दी नहीं लिखोगे। पूनम जोशी प्रिया प्रिया नाइस, गौरव गोस्वामी जी मुंबई से, पूनम जोशी जी बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, नमस्कार क्या बात है। ये देखो यार हमारे डॉक्टर जा रहे हैं, पंकज सिरारे जी ब्यूटीफुल बागेश्वर, धन्यवाद यार बागेश्वर तो बागेश्वर है यार, बात ही अलग है। ये देखो ये अलग है संपूर्ण, वो रेल रेल अलग है जाने रेल, अरे रे 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 रेल लग गया यार, ये यार रेल मनकोटी भाईपाल का नमस्कार, आनंद मुंबई से, प्रमोद जोशी पुणे महाराष्ट्र से, अरे यहाँ टीम लगाया है वहाँ ड्रीम इलेवन में नक्सलवाल में बहुत देखो बोला पिछाड़ी पे उन्होंने ठाकुर नीरज सिंह जय हो, नीरू वस्त क्या आया था यार, हाँ नीरू विस्त नीरू वेस्ट अफ्रीका से, आप वहाँ पर हिमांशु दशिला जी कैसे हो दादा, बढ़िया हो यार, कुछ ही दर्शन को स्वामी जी नमस्कार दादा, नमस्कार बेटी नमस्कार, ऐसा कैसे हो सकता है मेरा लाइव बने और आपने दिखाया ऐसा हो नहीं सकता। ढेर सारी बधाइयाँ, तुम लोग आरती से आ रहे हो, आप लोग आरती से आ रहे हैं, अपना बागेश्वर विशेष तो नहीं, तो हमारी बहनें यार अभी जा रही हैं और ऐसा होता नहीं है कि ये आए और हम जरा सा पीछे रहे, तो आई लव बागेश्वर में जो सेल्फी ले रहे हैं इनकी फोटो हम खींच लेते हैं यार। शशांक तिवारी जी इंग्लैंड से देख रहे हैं, क्या बात है यार 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 घर में यार हो यार, महिपाल भाई कैसे हो, जय हो होशियार सिंह जी, जय बाबा बागनाथ जी, पूनम जिशा भाई निर्मला, अरे आप पहचानते हैं बापरे लाइव इन रुद्रपुर, अच्छा रुद्रपुर से आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर यार बहुत बढ़िया, और यहाँ यो सर आए ये बता दियो सेल्फी बता दियो, यो जो बहुत ही गया जो मैं मैच दिखी नहीं ना पिछाड़ी बेटी जो मैच है नहीं यार, ये देखो ये लोग हैं कृष्णा आई लव बागेश्वर, बिल्कुल आई लव बागेश्वर के आगे ही खींच रहे हैं निरूपिष्ट, ये आई लव बागेश्वर और यह है मित्र मंडल। महिपाल जी आप दिखाते हो बहुत बहुत अच्छा लगता है, धन्यवाद दीपक भाई। महिपाल जी पिछले वर्ष मैं आया था आपको बधाई, मैं था आपको बधाई, धन्यवाद सर बहुत बहुत, आप आए ये बहुत विशेष बात है, जो भी आता है बागनाथ मंदिर दर्शन के लिए सरयू नदी स्नान के लिए या मकर संक्रांति पर्व को मनाने के लिए, हालांकि हर कोई अपने घर में मनाता है लेकिन अगर बागनाथ नगरी में आता है तो निश्चित ही उनके जो है पुण्य कर्म बढ़ते हैं और उनको जो है एक भगवान जो है आशीर्वाद देता है। सौरभ संदीप क्या
तो बिल्कुल ये तो बहुत ज़रूरी है यार। चंदन मेहता जी निर्मला कृष्ण की वो मेला शुरू हो गया श्रीलंका से, ड्यूटी पर है, काफ़ी साल बाद उत्तरायणी मेला नहीं देखा। अरे बहनी क्या बात हो, थैंक्स फॉर यू। अरे यार अंग्रेजी में जो ऐसे दिखाते रहे लाइव, धन्यवाद किशन दानू जी, महपाल भाई को नमस्कार, नीमा जोशी जी नमस्कार, महपाल का दीपक भाई नमस्कार नमस्कार, ठीक है आप, किशन मुंबई से, पूनम दपोला बागेश्वर से, बनी नमस्कार, जय हो, बताओ ये है ना बात, अपने बागेश्वर की बात ही अलग है। हरीश पांडे जी, हरीश जी महिपाल भाई, अच्छा शाम का प्रोग्राम, आज भजन संध्या होगी, आज जो है ना आज जागरण है, तो हर कोई जो है भगवान के गायन करना चाहता है भजन में, जो लोग आए हैं वो है, और कल से जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेंगे जिसमें जो है हिंदी गाने भी हैं, पहाड़ी गाने भी हैं, और मतलब कोशिश कर रही है कि एक मतलब मिक्स जो एक एंटरटेनमेंट किया जाए जो लोग यहाँ रात्रि में आनंद लेते हैं। उमा शर्मा जी नमस्कार, पूनम ढकोला जी नमस्कार, महपाल दा हाँ हेलो बेटा, क्या बात है यार आप तो देख भी नहीं रहे यार, तो मैं कौन जानी रंगत उन्हें दादा कोई कोटी कोटी बना रहे वहाँ पे कोटी कोटी ना ऐसा। अब मैं तुमको दिखाऊंगा जो मुख्य हमारा बागनाथ मंदिर है वो ये है, क्या बात है, और सामने जो है दशनाम जूना अखाड़ा, आपने सुना होगा जब शाही स्नान होते हैं साधु संतों के तो बागेश्वर दशनाम जूना अखाड़े का एक अलग स्थान होता है, क्योंकि ये बहुत मान्यता प्राप्त अखाड़ा है, और यहाँ जो है पुष्कर गिरी महाराज जी जो जब से आए हैं उन्होंने जो है यहाँ की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कर दी, और कोशिश करते हैं कुछ नया करने की। अब मैं मंदिर परिसर में जाकर ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि मंदिर में चल क्या रहा है। ठीक है, थैंक यू। आभार, बस आप जो है भगवान बागनाथ जी से प्रार्थना कीजिए आपकी मनोकामना पूर्ण हो और हम सभी की मनोकामना पूर्ण हो। देखो एक एक के लिए मांगेगा तो ईश्वर को जरूर देना पड़ेगा। फोटो ले रहे हैं जी, नए कपल मैं खींच लेता हूँ, नमस्कार, क्या बात है यार आप लाइव में हैं। तो यहाँ जो है बागनाथ मंदिर परिसर में अलाउ की व्यवस्था है, आग जलती है, तो लोग जो है आग देख रहे हैं, और ये देखो यार फूलों में सजे इसी बात में, पुलिस प्रशासन भी यहाँ सेवा के लिए बैठे हैं। हेलो हेलो, और यहाँ जो है पुलिस हमारे जवान बैठे हुए हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, आज की सेवा कितने बजे तक है? आज की सेवा है हमारे दिन के 2 बजे से रात के 12 बजे। क्या बात है यार, आपको निरंतर सेवा देते हो यार, थैंक यू यार, क्या बात है यार। तो मैं आया बागनाथ मंदिर परिसर में और सामने भैरवनाथ जी का, क्योंकि भैरवनाथ जी जो है ना उनके साथ हमेशा रहते हैं, जहाँ भी भगवान शिव की अगर मंदिर होगा तो उनके साथ जो है भैरवनाथ जी का मंदिर जरूर होगा। तो ये है दादा प्रणाम, क्या बात है, आज तो लाइटिंग जोरदार कर दी है, ये देखो ये रोने की तो नहीं है, और कहाँ है, मजा आ गया, खत्म कर दी पूरी रात को, यहाँ बढ़िया, हाँ लाइटिंग बहुत अच्छा, बहुत ही गजब ना। तो ये है मुख्य
बागनाथ मंदिर के सबसे अधिक जो मतलब जिसकी मान्यता है, जिसके लिए हम इतनी दूर से आए हैं, वो भोलेनाथ जी हैं। इन्हीं के लिए हम लोग कैलाश तक जाते हैं, इनके लिए हम जो है हम जो है केदारनाथ जाते हैं। तो ये हमारे यहीं हैं तो यार फिर क्या कहने यार, है नहीं, अगर गलत कह रहा हूँ तो बताओ। भगवान शिव जो है ना, इतने मतलब उनका नाम ही भोला है। क्यों है भोला? क्योंकि वो जो ना एक बेलपत्र में मान जाते हैं, जो बहता हुआ जल होता है उस जल को अर्पित ग्रहण कर लेते हैं, ये उनकी खासियत। तो कैसा लगा लाइव? और चलते चलते चलता हूँ, कैसा लगा वाली क्या बात है। चौक बाजार तक आपको दर्शन देते हैं, चौक बाजार में भी झोला चाचरी इत्यादि चीज़ें होती हैं, तो जाता हूँ। मेरा यार मैं अपना काम छोड़ के आया हूँ, लेकिन क्या करूँ यार, मन मानन को नहीं ना एक। यहाँ से मैं जाऊंगा चौक बाजार तक दिखाऊंगा। फूलों में बस रहे श्री वृंदावन बिहार, श्री और और यहाँ पर एक पटवारी चौकी हुआ करती थी, आपने कभी देखा होगा वहाँ पर। अब जो है प्रशासन नई पटवारी चौकी बना रहा, तो इस क्षेत्र सदर जो आता है यहाँ पर जो भी कार्य होते हैं पटवारी संबंधी वो कार्य करेंगे। तो ये है चौक बाजार जहाँ अलाव की व्यवस्था की है, थोड़ा चाकरी इत्यादि का आयोजन होता है। मदन दा